Awesome, so welcome to this video. अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के बाद में आपका स्टॉक या कॉल या पुट बाय करने के बाद में वो फटता नहीं है जैसा फटना चाहिए, आप वो रिटर्न्स नहीं बना पाते हो जो आपको लगता है कि आपको बनाने चाहिए, अगर आपके ट्रेड्स रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं आपके बाय करने के बाद में, तो उसका रीजन है कि आप कहीं ना कहीं पे इस ब्रेकआउट शब्द को अच्छे से समझे नहीं हो एंड सीखे नहीं हो। तो आज के वीडियो में बस उसी में डीपली हम समझेंगे जानेंगे। इस वीडियो में ब्रेकआउट को पूरी तरीके से आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से ब्रेकआउट ट्रेडिंग करी जाती है, कौन से टाइप के ब्रेकआउट होते हैं, सिर्फ एक दो तीन नहीं 9 से ज़्यादा टाइप के ब्रेकआउट होते हैं मार्केट में, उन सारों ब्रेकआउट्स को कैसे ट्रेड करा जाता है, किस तरीके से कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जाता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग की मदद से। सो अगर आपको पैसे बनाने में इंटरेस्ट है ब्रेकआउट से तो ये वीडियो आपके लिए है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो इंडेक्स है वो ये है। वैसे आपने ब्रेकआउट पे शायद YouTube पे बहुत वीडियो अवेलेबल है, लेकिन आज का जो वीडियो है इट्स गोना बी माइंड बॉगलिंग। सो सबसे पहले ब्रेकआउट को समझेंगे, उसके बाद में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की तरफ जाएंगे, फिर टाइम फ्रेम ब्रेकआउट को समझेंगे, फिर इंडिकेटर ब्रेकआउट को समझेंगे, फिर प्राइस एक्शन ब्रेकआउट को समझेंगे, फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट को समझेंगे, फिर फंडामेंटल ब्रेकआउट समझेंगे, फिर वोलेटिलिटी ब्रेकआउट समझेंगे एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट समझेंगे। ये सारी चीजें सीखेंगे हम प्रॉपर एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस के साथ में, एंड ऑल्सो और एक चीज देखेंगे दैट व्हाट सेपरेट्स रियल ब्रेकआउट फ्रॉम फेक ब्रेकआउट। वैसे तो फेक ब्रेकआउट होते नहीं है, कहने के लिए कहते हैं कि फेक 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 जैसा कुछ होता नहीं है, बट बेसिकली व्हाट सेपरेट्स प्रॉफिटेबल मेगा बुल रन वर्सेज स्टॉप लॉसेस वाले ब्रेकआउट। सो बेसिकली वो भी हम सीखने वाले हैं। चलो ब्रेकआउट सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है। सो हम ब्लैंक पेज पे समझते हैं ब्रेकआउट को। दो टाइप के मोटा मोटी चीज़ें होती है। एक होता है सबसे पहले मार्केट एक साइडवेज हो करके ये जो साइडवेज जोन था उसको ब्रेकआउट किया, इट्स वन ऑफ द ब्रेकआउट टाइप। दूसरा जो होता है वो होता है साइडवेज नहीं था, मार्केट वॉज ऑलरेडी इन टू अ ट्रेंड एंड एक ट्रेंड में एक ब्रेकआउट हुआ, दैट इज ऑल्सो प्रिटी मच पॉसिबल। इसी को रिवर्स अगर मैं कर दूँ तो एक डाउन ट्रेंड था एंड डाउन ट्रेंड से अपवर्ड्स अप ट्रेंड में ब्रेकआउट हुआ, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो ये दो तीन टाइप की पॉसिबिलिटी है। एंड अभी हम अप ट्रेंड के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा बात करते हैं, इसका रिवर्स सारी चीज़ें डाउन ट्रेंड में भी अप्लाई होती है। तो ये बेसिकली दो तीन चीज़ें हो गई। और मैं अगर आपको ब्रेकआउट पे दिखाना चाहूँ तो ये 1, 2, 3 टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स से कोई स्टॉक है या फिर कोई कमोडिटी है या कोई ऑप्शन है जो एक स्लो मूवमेंट में है, जो एक स्लो मूवमेंट में जो कैंडल साइज है वो काफ़ी स्लो है, ऊपर जा रहा है लेकिन स्लो जा रहा है, जैसे ITC है, डाबर है, उसमें ये आपको काफ़ी मिल जाएगा। सो मोमेंटम स्लो है बट देन ऑन अ पर्टिकुलर डे और अ पर्टिकुलर आवर यू गेट अ सुपर स्विच इन द वोलेटिलिटी, इन अ वन कैंडल इट स्नैप्स अप। सो दैट्स बेसिकली अ वोलेटिलिटी ब्रेकआउट। इस तरीके से आप 2-4 अलग अलग ब्रेकआउट होते हैं। मैं आपको एक बहुत ही रॉ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जैसे जैसे हम आगे आगे जाते जाएंगे हम उतना ही डीप जाते जाएंगे हर एक चीज़ में। सो ये ब्रेकआउट हो गया, ये सबसे पहला साइडवेज ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद में ये अप ट्रेंड में एक अप ट्रेंड में मोमेंटम ब्रेकआउट हो गया, ये एक डाउन ट्रेंड था एंड अप ट्रेंड के साइड ब्रेकआउट हो गया एंड ये एक वोलेटिलिटी ब्रेकआउट हो गया। अब ट्रेड कैसे करना है, एग्जीक्यूशन कैसे करना है, उस पर आते हैं हम। एंड सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट को समझते हैं। सो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट क्या होता है, सी इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट ऑलवेज मूव्स इन ट्रेंड, ये हम ऑलरेडी जानते होंगे, आपने भी पहले कभी ना कभी सुना होगा, सीखा होगा कि मार्केट हमेशा ट्रेंड में मूव करता है। मार्केट में या तो अप ट्रेंड होता है इस तरीके से, या तो डाउन ट्रेंड होता है इस तरीके से, या तो साइडवेज होता है इस तरीके से।
तीसरी कोई चीज प्रैक्टिकली हो नहीं सकती है, या तो अप ट्रेंड होता है, या तो डाउन ट्रेंड होता है, या तो साइडवेज होता है। अब इसमें ही एक अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं। जैसे आप ये वाला जो अप ट्रेंड है इसमें देखोगे तो इसमें ये जो डाउन स्विंग्स है दो बार जो आया वो बहुत ही छोटे थे। दिस कैन बी डिफरेंट कि वो जो डाउन स्विंग है वो बड़े है, बट है तो अप ट्रेंड ही। वही अगर यहाँ भी डाउन ट्रेंड देखोगे जो अपस्विंग है वो छोटे हैं, तो यहाँ पे वो अपस्विंग्स बड़े हो सकते हैं। सो आप इसे एक वॉलेटाइल अप ट्रेंड कह सकते हो। एंड साइडवेज मार्केट भी एक बड़ा सा एक साइडवेज मार्केट हो सकता है इस तरीके से। अब इन सारी मार्केट्स में एक जो कॉमन चीज़ है वो ये है दैट इफ़ यू कनेक्ट द लोज एंड हाइज देन यू कैन गेट द ब्रेकआउट्स वेरी इजीली। हिंदी भाषा में कहते हुए सिंपल सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपको कहूँ तो इसमें अगर आप एक चीज़ को समझोगे कि हाईज एंड लोस को कनेक्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम ऊपर वाले में कनेक्ट करते हैं, बॉटम से हमने कनेक्ट किया इसको एंड इसको। सो उसको अगर मैं कनेक्ट करूँगा एंड जो ये पॉइंट पे मार्केट नीचे गया दैट वाज अ डाउन ट्रेंड इंडिकेशन। इट्स अ इंडिकेशन फॉर अ ट्रेंड चेंज का भी अप ट्रेंड जो है वो खत्म हो चुका है। इसी चीज़ को मैं अगर यहाँ पे कनेक्ट करूँ इस लाइन को, यहाँ से मैं अगर अप साइड वाला लाइन कनेक्ट करूँ तो यहाँ पे आपको और एक इंडिकेशन मिलता है कि अगर ये खत्म हुआ, अगर मार्केट इस पॉइंट पे जब आता है सो इट्स अ ट्रेंड चेंज, डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है। इट्स अ इंडिकेशन या तो अप ट्रेंड होगा या तो साइडवेज होगा, जो इवेंचुअली यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया। या इसको हम और एक एग्जांपल के साथ में समझने की कोशिश करते हैं एंड हम डीप जाते हैं। आज मुझे कोई घाई नहीं है एंड आई एम नॉट समझ बोले अरे 20 मिनट का ही वीडियो बनाते हैं, 20-20 मिनट के 10 वीडियो बनाते हैं, 10 हफ्ते निकल जाएंगे। नहीं, आपका पैसा बनना ज़रूरी है एंड आई होप कि आज आप नोटबुक पेन एंड पेपर लेके बैठे हो क्योंकि मैं सिखाने के मूड में हूँ। आप हज़ारों रुपए खर्च कर दोगे तभी भी शायद जा करके ये चीज़ नहीं मिलेगी। दुनिया के कितने ही वेबिनार कर लो, कुछ भी कर लो, इतने डीप में जा करके शायद ही कोई सिखा पाएगा। सो आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन बिकॉज हमारा जो पर्पस है वो ये है कि इंडिया के लोग सही तरीके से ट्रेड करें। जो आप हमारे चैनल के ऊपर इतने सालों से देखोगे दैट वी आर ऑन अ मिशन ऑफ इम्पैक्टिंग 1 करोड़ पीपल बाय 2025, फाइनेंशियल लाइफ में चेंज होना चाहिए, पासबुक में एंट्री आना चाहिए। सो आज चाहे जितना टाइम लग जाए पासबुक में एंट्री के लिए मेहनत करेंगे। या ओके, सो अप ट्रेंड है इस तरीके से एंड फिर डाउन ट्रेंड हुआ इस तरीके से एंड फिर एक बार अप ट्रेंड हुआ इस तरीके से। यहाँ पे आप अगर लाइंस, जो मैं ट्रेंड लाइन बोल रहा हूँ, वो कैसे ड्रॉ करते हैं, टेक अ बॉटम, कनेक्ट अ बॉटम एंड देन एक लाइन ड्रॉ करते हैं एंड जहाँ पे वो लाइन के प्राइस नीचे जाता है फ्रॉम देयर इट्स अ ट्रेंड चेंज, या तो डाउन ट्रेंड होगा या तो साइडवेज होगा। अगेन आप जैसे जैसे मार्केट को समझते जाओगे, ट्रेंड्स को समझते जाओगे, आप वो समझ पाओगे कि अब ये डाउन ट्रेंड होगा या अप ट्रेंड होगा, जो हम लाइव मार्केट में भी जा करके सीखेंगे। एंड दिस वर्क्स इन अक्रॉस द इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शंस करते हो, इंट्राडे करते हो, इक्विटी करते हो, कमोडिटी करते हो, क्रिप्टो तो खैर आजकल चल नहीं रहा है, बट अगर क्रिप्टो भी करते हो दिस इज समथिंग विच वर्क्स। सो आपको इस तरीके से जब आप बॉटम टू बॉटम कनेक्ट करते हो अप ट्रेंड में, तब आपको एक डाउन ट्रेंड का इंडिकेशंस मिलते हैं एंड अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है इस तरीके से तो आपको टॉप लाइन, टॉप टू टॉप, फ्रॉम दिस टॉप टू दिस टॉप कनेक्ट करना पड़ता है सो दैट आपको अप ट्रेंड की साइंस मिले या अप ट्रेंड की इंडिकेशंस मिले। ये एक मेजर ट्रेंड चेंज होता है, स्पेशली जब आप अच्छे ट्रेंड पकड़ते हो एंड उनको अगर आप सिलेक्ट कर पाते हो तो आपको बड़े मूव्स मिलते हैं यहाँ पे। इट्स नॉट 1:1, 1:2 वाली चिंदी ट्रेडिंग, आई कैन से यू कैन गेट लाइक 1:5, 1:7, 1:10 ऑल्सो, 1:10 बोल रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी बात होती है वो। हाँ, एंड 1:1, 1:2 स्विंग ट्रेडिंग एज अ बिगिनर अच्छा है, इंट्राडे करते हो 1:2, बट देन मल्टी मेगा मूव कहाँ से मिलेंगे आपको? मल्टी मेगा मूव के लिए इस तरीके से आपको सही आई कैन से ट्रेंड्स को सिलेक्ट कर करके एग्जीक्यूट करना पड़ता है, ट्रेड करना पड़ता है। चार्ट पे जाता हूँ और कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ अभी ही। सो लेट्स टेक दिस ट्रेंड, ठीक है, हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, लेट्स से ये ट्रेंड को पकड़ा
हमने यहां पे ये टॉप, यहां पे ये टॉप पकड़ा एंड देन वहां से टॉप टू टॉप लाइन कनेक्ट करा. सो ये जो ब्रेकआउट पॉइंट बना यहां पे, दिस इज योर ट्रेंड चेंज पॉइंट. यहां पे पॉसिबिलिटी, अगेन द वर्ड इज पॉसिबिलिटी. आपको ये नहीं करना है कि पूरा का पूरा घर दाव पे लगा दिया और आंख बंद करके रिस्क ले रहे हो बिना स्टॉप लॉसेस के, बिल्कुल भी नहीं. आप ब्रेकआउट पॉइंट पे ट्रेड कर रहे हो, दो कैंडल का स्टॉप लॉस रखा एंड यू कैन जस्ट गो फॉर द हायर साइड. अभी मैं आपको एक्यूरेट टारगेट नहीं दे रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ एंड देन आई वॉन्ट टू कम टू द स्ट्रैटेजी पार्ट. यहाँ पे जूम इन करके देखते हैं. सो अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो डॉजी कैंडल है उसने ब्रेकआउट दिया, डॉजी से ऊपर गया तो बाय अबाउट द हाई एंड स्टॉप लॉस विल बी टू कैंडल्स, टू कैंडल्स, वन टू, तो आपका दो कैंडल स्टॉप लॉस हो जाएगा. सिंस दोनों कैंडल डॉजी है, यू कैन गो वन मोर बिलो और एक कैंडल पीछे आ सकते हो एज अ स्टॉप लॉस बिकॉज दोनों छोटे कैंडल है. सो पीछे के दो कैंडल ही स्टॉप लॉस हुए मोटा मोटी एंड यू कैन सी द ट्रेंड चेंज आफ्टर दैट. अब और एक ट्रेंड में बना के आपको दिखाओ, तो इसको हम डिलीट करते हैं पहले वाले को एंड फिर यहां से हम कनेक्ट करते हैं फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस. सो आप देखोगे आफ्टर दिस ब्रेकडाउन, यहां पे जब ये ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद में मार्केट थोड़े टाइम के लिए साइडवेज हो गया. सी दिस, दिस साइडवेज. इज इट नेसेसरी कि बड़ा डाउन ट्रेंड ही आएगा यहां से ऐसे? बिल्कुल भी नहीं. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक हम स्ट्रैटेजी पे नहीं गए, कॉन्सेप्ट पे है. देर इज ऑलवेज अ बिग 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 डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड कॉन्सेप्ट. ये एक कॉन्सेप्ट है. आई विल कम टू द स्ट्रैटेजी. हाँ ओके. सो हमने ये मार्क करा था, फिर से एक बार मार्क करता हूँ फ्रॉम दिस टू दिस. ठीक है एंड ये यहाँ पे जब नीचे क्लोजिंग आता है प्रॉपरली योर ट्रेंड इज ओवर फॉर अ टाइम बीइंग. और एक दो ड्रॉ करते, बैंक निफ्टी लेते, निफ्टी बैंक, बैंक निफ्टी. ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन को हटा देते हैं एंड देन यहां पे भी ड्रॉ करते हैं फ्रॉम दिस टू दिस. सो दैट्स माय पॉइंट ए, दैट्स माय पॉइंट बी. इन दो को कनेक्ट किया तो आगे लाइन अपने आप एक्सटेंड होगा. जब वो आगे लाइन अपने आप एक्सटेंड हो जाता है वो लाइन जहां पे ब्रेकआउट पॉइंट आता है विच इज दिस, दैट्स योर बाय. सो इसको आप जूम करके अगर देखोगे, सो यू बाय अबाउट हाई स्टॉप लॉस बिलो टू कैंडल, तो वो कैंडल अगेन हैमरिश है बट पीछे वाला प्रॉपर रेड है. सो विल गो फॉर टू कैंडल स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस रखा एंड जस्ट सी द बूम. दिस वॉज द प्राइस अबाउट द हाई इज 440-ish, this is 5000 point move. Good move, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे ट्रेड करा जा सकता है. अब और एक दो ट्रेड देखते हैं, फिर थोड़ा सा स्पेसिफिक जाता हूं मैं एंट्रीज पे एंड स्टॉप लॉसेस पे. नाउ दिस इज बिट अनकन्वेंशनल एंड डिफिकल्ट टू ट्रेड. अभी जो मैं नेक्स्ट बता रहा हूं वो यू कनेक्ट हाई टू हाई एंड जब वो ब्रेकआउट होता है दिस विल गिव यू अनदर लेवल ऑफ मेगा मूव. ये देखो, ये मैंने हाई टू हाई कनेक्ट करा एंड जब वो हाई टू हाई कनेक्शन ब्रेकआउट होता है वो यू हैव सम स्पीडी मूव. आई कैन से स्पीडी मूव सही ग्रामर है या नहीं है पता नहीं, बट आपको एक स्पीड में मार्केट मूव होते हुए वहां पर मिल जाएगा. इसको हम फास्ट ट्रेडिंग या मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं. बहुत ही कम मिलते हैं, बहुत ही रेयर ओकेशंस होते हैं ऐसे बिकॉज जनरली मार्केट एक स्लो ट्रेंड में मूव करता है. बट जब ये मिलता है वो देयर इज समथिंग टू कंसीडर, देयर इज समथिंग टू ट्रेड. उसके बाद में इसको हटाते हैं एंड और एक एग्जाम्पल देखते हैं. सो इफ यू कनेक्ट फ्रॉम दिस बॉटम to this bottom, see this, that's your point A, that's your point B, वहीं पे support हुआ point C and यहाँ पे breakout, breakdown हुआ नीचे के side पे
एंड देन यू हैड एन एग्जिट कॉल। यहाँ पे आप देखोगे, इसको जूम इन करके देखोगे तो ये कैंडल पे एग्जिट कॉल था ऑन 2nd of January 2020, एंड उसके बाद में जा करके मार्केट नीचे आया एंड एक डाउन ट्रेंड के साइड में बड़ा मूव दिया मार्केट ने। सो इंडिकेशंस मिलते हैं मार्केट में मेजर मूव्स के पहले इस तरीके से ट्रेंड लाइंस पे। सो मैं आपको और दो एग्जांपल दिखाता हूँ एंड उसके बाद में मैं आगे चलता हूँ। सो यहाँ पे अगर मैं कनेक्ट करूँ इन टॉप टू टॉप को एंड उसी चीज़ को मैं अगर कॉपी पेस्ट करूँ और नीचे रख दूँ, सो यहाँ पे मैंने क्या करा, ऊपर मैंने अच्छे से कनेक्ट करा है, नीचे मैंने सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करके रख दिया है। इसे चैनल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चैनल। इसे कहते हैं ट्रेंड चैनल। अब आप कहोगे ओके ट्रेड कैसे करना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रेड आपको करना है जब चैनल में मार्केट ट्रेड होना बंद हो जाए। इसका मतलब है कि मार्केट पहले यहाँ से शुरू हुआ, इस तरीके से ट्रेड कर रहा है कंटिन्यूसली, एंड जब मार्केट उस चैनल के बाहर चले जाए, जैसे कि ये पैच अगर आप देखोगे, ये पूरा का पूरा पैच मार्केट के बाहर ट्रेड हुआ, वो टाइम पे देर इज अ इंडिकेशन दैट दिस चैनल और ट्रेंड इज ओवर। अब आपको बहुत सारा इस पर प्रैक्टिस लगेगा, बहुत सारा इस पर मेहनत लगेगा, एंड देन आप ये अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। अगेन अभी भी हमारा स्ट्रैटेजी बाकी है, हम ब्रेकआउट के कॉन्सेप्ट पे है, तो ये चैनल ब्रेकआउट बोलते हैं इसको, कि चैनल में ट्रेड हो रहा था, अब उसके बाहर मार्केट चले गया, अब उसके बाहर मार्केट आ गया। इसी को अगर मैं, ये एक चैनल हो गया, इसको डिलीट करते हैं एंड एक दूसरे साइड पे चैनल बनाते हैं। लेट्स ड्रॉ इट इन दिस साइड। सो अगेन कॉपी पेस्ट, लेट्स कीप इट हियर, बो सी दिस। Now it started from here. यहाँ पे मार्केट था, नीचे गया, ऊपर आया, नीचे था, ऊपर आया, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर करके एक वही चैनल में मार्केट घूम रहा है। ये पैच चैनल के बाहर आया मार्केट, बट वहाँ पे डाउन साइड में मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट वॉज नॉट एबल टू सस्टेन। कुछ दिनों बाद ऊपर ऊपर ऊपर, अगर इसको आप जूम इन करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि वहां पे एक बड़ा सा डॉजी कैंडल बना, बिग ग्रीन गैप अप, बिग ग्रीन, सो बूम बैक टू द चैनल। एंड देन फिर एक बार कुछ दिनों तक चैनल में ट्रेड होने के बाद में जब ऊपर की साइड पे ये कंसोलिडेशन बनता है एंड देन इट गोज अप। सो अगेन अ चैनल ब्रेकआउट का एक परफेक्ट एग्जांपल। नीचे के साइड वाला ट्रेड करोगे तो वहां पे स्टॉप लॉस होगा, आपको पता चल जाएगा, बट फिर ऊपर की साइड पे ट्रेड करोगे फिर से एक बार, then you will see a mega run over there from like 17,000 level to 25,000 level, 25,000 तक market गया। अब बात आती है trade कैसे करना है, how to trade. So मुझे जो method पसंद है trade करने की, see there is various I can say type of trading जो आप कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिन रास्तों से आप चैनल में ट्रेड कर सकते हो या ट्रेंड लाइंस के साथ में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मुझे जो पर्सनली रास्ता पसंद है वो है ट्रेंड के साथ में ट्रेड करना, ट्रेंड के अगेंस्ट ना जाना, डोंट गो अगेंस्ट द ट्रेंड। भाव भगवान छे एंड प्राइस इज सुप्रीम, सो डोंट गो अगेंस्ट द ट्रेंड। तो ट्रेंड के अगेंस्ट कैसे नहीं जाना है, इट्स वेरी सिंपल। लेट्स से ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, हमें दिख रहा है कि डाउन साइडेड चैनल है, दोनों जो हमने चैनल बनाया वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो अब इसमें बाय नहीं करेंगे हम, वी विल ऑलवेज गो फॉर अ शॉर्ट टाइप ऑफ ट्रेड। सो फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, हम जितनी भी बार हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी हम वो अपॉर्चुनिटीज लेंगे, चाहे ये अपॉर्चुनिटी हो यहाँ पे या फिर ये अपॉर्चुनिटी हो यहाँ पे, जब जब हमें मौका मिलेगा शॉर्ट करने के लिए, जैसे कि देखो यहाँ पे मिला एक मौका शॉर्ट करने के लिए तो हम वहाँ पे शॉर्ट करेंगे, ऊपर मिला एक बार मौका वहाँ पे शॉर्ट करेंगे, फिर एक बार यहाँ पे छोटा सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो अगर आप, तो आपको लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू इस तरीके से, तो यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे, और एक मौका अगर आप दिस टू दिस कनेक्ट करोगे तो डाउन साइड पे स्पीड मोमेंटम वाला ट्रेड जो हमें मिला ये साइड पे आप और एक बार शॉर्ट कर सकते हो।
उसके बाद में लेट्स से ये वाला और एक शॉर्ट ट्रेड बनेगा। तो इस तरीके से अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है या डाउन चैनल में है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं शॉर्ट के ट्रेड करूं इंस्टेड ऑफ बाय के ट्रेड करूं। इसको डिलीट करते हैं हम और एक अप ट्रेंड के एग्जांपल में फिर एक बार समझते हैं बात को। ओके, यही वाला ले लेते हैं जो हमने पहले ड्रॉ करा था, फ्रॉम दिस टॉप टू दिस, कॉपी पेस्ट एंड इसको रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो नाउ दिस इज वन अप ट्रेंडेड चैनल या अप ट्रेंड में मार्केट है। अब अप ट्रेंड में मार्केट है कैसे कैसे पता चल सकता है? एक तो है कि आप ये चैनल यूज कर लो, एंड देर आर वेरियस वेज। आप मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो, RSI यूज कर सकते हो, विजुअल बेसिस पे समझ सकते हो कि मार्केट कहाँ पे जा रहा है। अब मुझे अगर बाय करना है तो मैं क्या करूँगा, इस तरीके से एक डाउन चैनल मार लूंगा एंड आई विल बाय। फिर से मैं यहाँ पे एक बार फिर से अपसाइड मारा, बट दैट गेव मी अ बाय। फिर एक बार मैं यहाँ पे टॉप पे लाइन मारूंगा एंड दैट ब्रेकआउट विल गिव मी बाय। फिर एक बार मैं यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन मारूंगा विच कैन गिव मी अ बाय। सो ये यहाँ पे अब मैंने आपको तीन चार एग्जाम्पल दिखा जहाँ से आप बाय कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो, एक्यूरेट एंट्री। सो एंट्री कैसे करना है, इसी में से कोई ट्रेड में टीम को कहूँगा आपको जूम इन करके दिखा दे। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जब कैंडल ये देखो, ये यहाँ पे जब कैंडल वो ब्रेकआउट होता है, यू बाय अबाउ द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड यू कैन गो फॉर 1:2, 1:3 टाइप ऑफ अ गुड टारगेट, मे बी मोर ऑल्सो, विच विल कम विद एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस के साथ आएगा। अभी अगर आप लाइक ऐसे ही बैठे हो बिना नोटबुक पेन एंड पेपर के सो करके वीडियो देख रहे हो, तो पहले तो उठ जाओ, उठ जाओ, और ध्यान इधर उधर जा रहा है आपका, आपको मन हो रहा है कि यार बहुत बड़ा वीडियो है नहीं देखने का है, तो आपका पैसा नहीं बनेगा। यू हैव टू गेट सीरियस। लेट्स से आपने ये एक वेबिनार है और आपने 5,000 भरे हैं इसके, क्योंकि वो लेवल की चीज मैं आपको बता रहा हूँ। क्या लाइक यू शुड पे 5,000 रुपीज, देन यू विल गेट दिस वीडियो, देन यू विल टेक नोट्स, टेक इट सीरियसली। अगेन मैं क्या करता हूँ, मैं एक कॉन्सेप्ट सीखता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, फिर सीखता हूँ, फिर प्रैक्टिस करता हूँ, तो वो तरीके से आप जाओगे देन इट विल रियली मेक सेंस। नहीं तो फिर तो बातें हैं यार, सब बहुत वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे, कितने ही देख लो। सी आई कम फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास फैमिली, एंड जब मैंने मार्केट में स्टार्ट करा था तब इतना गाइडेंस, इतना यूट्यूब नहीं था। हमने बड़े लॉसेस करे हैं, बड़े फटके खाए हैं, बड़ी किताबें पढ़ी है, चीज़ों को समझा है, ट्रेड करा है, लॉसेस करे हैं, तब जा करके एक 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 चीज़ समझ में आई है। आज 12 साल से ज़्यादा मार्केट में हज़ारों लोगों को सिखाया है पिछले कुछ सालों में, उनका एक्सपीरियंस, खुद का एक्सपीरियंस, टीम का एक्सपीरियंस, आज इतने लोग हैं जो साथ में ट्रेड करते हैं, बैठते हैं हम लोग, वो सारा मिला करके हम मिलता है, तब जा करके यूट्यूब पे एक वीडियो बनता है। सो मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लो, एंड एक 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 स्टेप करके इसको डिकोड में करते जा रहा हूँ और आप उसको समझते जाओ एंड ड्रॉ करते जाओ। या सो हम थे एंट्री पे, बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, एंड गो फॉर 1:2, 1:3 एंट्री एंड मे बी मोर विद द एक्सपीरियंस। आपको समझेगा कि ये एक बड़ा चैनल है, मेगा मूव में मार्केट है, चलो बाय करके लेट इट लीव इट फॉर 1:5 ऑल्सो। हाँ, तो आप वैसे कर सकते हो, पॉसिबल है, बट इट विल टेक टाइम एंड प्रैक्टिस। या एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट, वी आर कमिंग अप विद अ न्यू इवेंट कॉल्ड एज ऑप्शन ट्रेडिंग का महाकुंभ, जहाँ पे आपको 100 से ज़्यादा वीडियोज मिलेंगे एंड 2 दिन का इवेंट मिलेगा। उसका एक 2 मिनट का क्लिप दिखाता हूँ मैं आपको, अगर आपको अच्छा लगे देन आप रजिस्टर कर सकते हो। अगर एक स्टॉप लॉस होता है ना, तो आपका 2 से 5 हज़ार रुपये का लॉस होता है, इसलिए हमने उससे भी कम प्राइस रखा है, जस्ट 1050, सो दैट पूरा इंडिया ये प्रोग्राम अटेंड कर पाए। लेट्स सी 2 मिनट क्लिप ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग का महाकुंभ। सो आगे जाने से पहले मैं आपको एक खुशखबर देना चाहूंगा, दैट वी आर केम अप विथ अ न्यू प्रोग्राम कॉल्ड एज ऑप्शन ट्रेडिंग का महाकुंभ, जिसके अंदर पूरा भारत देश आने वाला है ये सीखने के लिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग में मल्टी बैगर, मल्टी फोल्ड पैसा कैसे बनाना है। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बनाना है तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है, एंड देन यू कैन डिसाइड यू शुड कम और नॉट, बट पूरा देश आ रहा है तो आप भी जरूर आइएगा। सो
इसके अंदर क्या है, सबसे पहले है इसके अंदर बेसिकली दो चीज है, एक है ऐप जो आपको आज मिलेगा, जो आप देख करके सीख करके पैसे बना सकते हो, एंड देन मिलेगा दो दिन का इवेंट। ये दोनों चीजें आपको मिलती है। ऐप के अंदर क्या होगा, ऐप के अंदर 10 चीजें होंगी। सबसे पहला ऑप्शन ट्रेडिंग फाउंडेशन, सो दैट आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए एंड आपको बेसिक्स में कोई भी सवाल ना रहे। उसके बाद में 25 ट्रैप्स टू अवॉइड इन ऑप्शन ट्रेडिंग, 25 गलतियां जो आप करोगे जो आपको नहीं करनी है। अगर आप एक भी गलती एक बार करते हो तो आपका 5,000 से 10,000 रुपये आपको लॉस हो सकता है ऑप्शंस में। 25 ऐसी गलतियां जो 100% आप करने ही वाले हो, जो आप मत करना ये 25 गलतियां सीखने के बाद में। उसके बाद में मास्टरिंग इमोशंस, ताकि आप अपने इमोशंस के वजह से ऑप्शंस ट्रेडिंग में गलती ना करो। ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या है, सारा का सारा इमोशंस का खेल है। और यहाँ पे जो मैंने इमोशंस के ऊपर जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें आपको सिखाया गया है कि क्या एंड किस तरीके से आपको उन इमोशंस को मैनेज करना है। उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस फॉर ऑप्शंस ट्रेडिंग, सो दैट आप एक बेसिक्स टेक्निकल आपको पता हो ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए जो जरूरी है वो। उसके बाद में 3 स्ट्रैटेजीज आपको मिलेंगी। पहली फॉर बिगनर, अगर आप बिगनर हो ये ट्रेड करो पैसे बनाओ। सेकंड फॉर इंटरमीडिएट या एडवांस, एंड थर्ड फॉर ओनली एक्सपीरियंस ट्रेडर। 3 अलग अलग स्ट्रैटेजी, यू कैन पिक एंड चूज कि आपको कौन सी वाली ट्रेड करनी है। एंड देन प्रोफेशनल ट्रेडर्स रिव्यू सिस्टम, ताकि एज अ जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स जिस तरीके से अपने ट्रेड्स को रिव्यू करते हैं, आप भी उसी तरीके से अपने ट्रेड्स को एनालाइज कर पाओ, रिव्यू कर पाओ और पैसे बना पाओ। एंड देन लाइव सपोर्ट सेशंस, ताकि आप कहीं पे अटको तो मैं और मेरी टीम आपको रहे मदद करने के लिए और आगे पुश करने के लिए। सो अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे बनाना है, दिस प्रोग्राम इज फॉर यू। एंड देन 2 दिन का इवेंट होगा जिसकी डेट्स आपको मिलेंगी। इस 2 दिन के इवेंट में मल्टी बैगर ऑप्शंस में पैसे कैसे बनाने हैं, जो फटते हैं ऑप्शंस वो कैसे पिक करने हैं, पिरामिडिंग कैसे करना है, मल्टी टाइम फ्रेम, और भी बहुत कुछ होने वाला है। आप सोचते रहोगे इतने बड़े प्रोग्राम का प्राइस, इतना सारा सिखाया जा रहा है, लाइव 2 दिन का इवेंट होगा, ऐप आज के आज आपको मिलेगा, कितना फीस होगा इसका? जी, इसका 1,00,000 रुपया फीस हो सकता है, एंड होता ही है आज के टाइम पे। बट इट्स नॉट 1,00,000, इट्स नीदर 50,000, ना ही 20,000 इसका फीस है, ना ही 15,000 फीस है, 10,000 भी नहीं चाहिए, 7,999 भी नहीं चाहिए, 5,999 भी नहीं चाहिए, 3,999 भी नहीं चाहिए, 2,999 भी नहीं चाहिए, 1,999 भी नहीं चाहिए, इट्स जस्ट 1,050 इंक्लूसिव GST। बस क्यों इतना कम? बिकॉज पूरे देश को ये प्रोग्राम अटेंड करवाना है, ताकि ऑप्शंस ट्रेडिंग में ये 25 गलतियां कोई ना करे जिसकी मैं बात कर रहा था, एंड एक समझदारी सूझबूझ रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड हो, एंड प्रॉपर स्ट्रैटेजीज मिले ट्रेड करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया हुआ है पैसे बनाने के लिए, और अगर ये भारत देश सीखता है तो लॉसेस मैं जानता हूं कि बंद हो जाएंगे, या आई कैन से कम हो जाएंगे, या अगर गलती नहीं करोगे तो नहीं होंगे लॉस। तो ये सारी चीज़ें 1,050, सो दैट everyone कैन अफोर्ड, एंड आई कैन अफोर्ड इट, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। बाय द वे, दिस प्रोग्राम इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर यूनिक्स, फॉर सेक्स वर्कर्स एंड फॉर विडोज। सो आप अगर इन 3 में से कोई हो तो ये ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप मेल कर सकते हो फॉर फ्री कोर्स। And it's a small, I can say, effort from my side for a country to help. Yeah. And अगर आप इन 3 कैटेगरी में नहीं हो, then definitely it's just 1,050. एक लॉस होगा, 1,050 जाता है, आप भी जानते हो। तो अभी रजिस्टर कीजिए, वीडियो को पॉज करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, सो दैट आप पैसे बना पाओ ऑप्शन ट्रेडिंग से। रजिस्टर राइट नाउ फॉर यू एंड योर फैमिली। ऑसम, सो मेक श्योर यू अभी रजिस्टर करना, बिकॉज मैं जानता हूँ कि हमने क्या प्रोग्राम बनाया है। रजिस्टर राइट नाउ फॉर यू एंड योर फैमिली, पॉज दिस वीडियो, अभी डू इट राइट नाउ। उसके बाद में ट्रेंड लाइंस के बाद में अगला पॉइंट आता है मल्टी टाइम फ्रेम ब्रेकआउट। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम ब्रेकआउट होता क्या है। चलो, सो मल्टी टाइम फ्रेम में हम 3 टाइम फ्रेम ले लेते हैं,
एक लेते हैं हम डेली टाइम फ्रेम, डेली का हायर टाइम फ्रेम हो गया वीकली टाइम फ्रेम, एंड वीकली का हायर टाइम फ्रेम हो गया मंथली टाइम फ्रेम। इसके जगह पे आप अलग टाइम फ्रेम्स भी ले सकते हो, लेट्स 75 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम और 5 मिनट टाइम फ्रेम। ये मैंने रिवर्स लिखा है, बेसिकली अगर मैं ऐसे यहाँ पे लिखूँ तो ये मंथली वीकली एंड डेली आएगा। उस तरीके से आप ये कर सकते हो, लिख सकते हो। और एक टाइम फ्रेम मैं अगर लिखना चाहूँ देन दैट विल बी लेट्स से 2 मिनट टाइम फ्रेम, 10 मिनट टाइम फ्रेम एंड अगेन आई विल गो विद 75 मिनट्स ओनली। आप मुझे कभी 60 मिनट यूज़ करते हुए नहीं देखोगे। उसका रीज़न है कि इंडियन मार्केट जो है वो 9:15 से 3:30 है, तो मैं अगर टाइम के हिसाब से देखूँ तो 9:15 से 3:15 की 6 कैंडल बनती है और आखिरी कैंडल 15 मिनट की है, जो टेक्निकली गलत है। अगर आप 75 मिनट लेते हो तो सारी कैंडल जो है वो 5 कैंडल बनती है, इन 5 सेवेंटी फाइव मिनट की ही होगी। सो दैट्स वाई आई पर्सनली प्रेफर दैट। अब यहाँ पे अगर आप हम जाए एक एक करके समझने के लिए, सो व्हाट इज मल्टी टाइम फ्रेम ब्रेकआउट। चार्ट पे जाके समझेंगे तो मुझे लग रहा है ज़्यादा अच्छे से हम सीख सकते हैं, तो चार्ट पे जा करके समझते हैं हम। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे विच इज़ मल्टी टाइम फ्रेम ब्रेकआउट, या 3 टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट आपको चाहिए। चलो अभी हम सीधा 5 मिनट पे ही जा करके इस चीज़ को या कॉन्सेप्ट को देखते हैं या समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक मूविंग एवरेज ऐड कर दूँ, लेट्स टेक इट मूविंग एवरेज सिंपल विच इज़ योर 44 मूविंग एवरेज एंड उसको थिक कर लेते हैं, टाइम इसको हटा देते हैं ताकि हम क्लियरली चार्ट को देख पाए। ओके सो लेट्स से एक पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं जहाँ पे हम चार्ट को अच्छे से समझ पाए। सो यहाँ पे लेट्स से ये पॉइंट पे हम हैं जहाँ पे मैंने ये ब्लैक बॉक्स करा एंड एक एरो मारा। सो मुझे बताओ ऑन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम आर वी इन अप ट्रेंड और नॉट, क्या हमारा अप ट्रेंड में ब्रेकआउट हो चुका है या नहीं हुआ है। अब मैं ये मूविंग एवरेज लेके बता रहा हूँ ताकि एक समझने में सिंपलिसिटी रहे। वैसे आप इसको ओनली प्राइस एक्शन से भी देख सकते हो, ट्रेंड लाइन से भी देख सकते हो एंड अलग अलग चीज़ों में देख सकते हो, लेकिन जस्ट फॉर मोर सिंप्लिसिटी मैं इसको आपको एक सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। पहले मुझे बताओ ऑन दिस एरो इज इट अप ट्रेंड और नॉट। आपको ऑब्वियसली सिद्धार्थ मूविंग एवरेज राइजिंग है, अप ट्रेंड है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट में जाते हैं एंड 15 मिनट में हम देखते हैं। अब मुझे बताओ क्या उस एरो पे करंट ट्रेंड क्या है। आप कहोगे नहीं सिद्धार्थ ये तो डाउन ट्रेंड है। इट मीन्स मल्टी टाइम फ्रेम ब्रेकआउट अभी तक नहीं हुआ है, मल्टी टाइम फ्रेम एक साथ में नहीं आए हैं। एंड यही हमारा 75:15:5 था, तो हम 5 मिनट में देखे, 5 मिनट में हमारा क्या था, ब्लैंक स्लाइड पे जाते हैं, बाजू बाजू में इसको करते हैं। जो हमने पहला चार्ट देखा 5 मिनट देखा, ठीक है, तो मुझे बताओ 5 मिनट में अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड, 15 मिनट में डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे मूविंग एवरेज फॉलिंग है जहाँ पे एरो था वहाँ पे, एंड इसी को हम 75 मिनट करते हैं एंड 75 मिनट में उसको एरो को निकालते हैं 75 मिनट यहाँ पे। सो ऑन 75 मिनट इट इज अगेन अ फॉलिंग मूविंग एवरेज, सो 75 मिनट ऑल्सो फॉलिंग मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे हमें वो नहीं मिला। तो अभी तक मल्टी टाइम फ्रेम एक साथ नहीं आया है, अभी तक मल्टी टाइम फ्रेम ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ये जब टेक्निकल एनालिसिस के जितना डीप में जाते जाओगे मल्टी टाइम फ्रेम की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ती जाएगी, तो आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस अच्छे से समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। आज मैं आपको जितनी भी ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ उन सारी स्ट्रैटेजी में कोई एक चीज़ बहुत बड़ी है, वो है ये पॉइंट सी। एंड शायद आप कोई एक आध पॉइंट मिस कर दो पूरे वीडियो में से चल जाएगा, लेकिन ये पॉइंट मिस करोगे तो नहीं चलेगा, विच इज बेसिकली और मल्टी टाइम फ्रेम ब्रेकआउट। 5:15:75 ले लो, या इसी को हम 2 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेते हैं आपको चाहिए तो,
2 मिनट में कोई पर्टिकुलर प्लेस पे चले जाते हैं, लेट्स से करंट मार्केट में आ जाते हैं, तो करंट मार्केट में 2 मिनट इज इन डाउन ट्रेंड। सो सबसे पहले हम ये बना लेते हैं 2, 10, 75। 75 वैसे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 2, 10, 75, बट ठीक है अभी के लिए, नहीं तो 2 और 10, 2 टाइम फ्रेम काफ़ी होते हैं अगर माइक्रो इंट्राडे कर रहे हो तो। सो 2 मिनट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, 10 मिनट ले लेते हैं हम यहाँ से, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स है नहीं लग रहा है, मुझे बनाना पड़ेगा, बिकॉज जनरली आई प्रेफर 5 एंड 15 एंड नॉट 10। सो लेट्स से 10 मिनट ऐड कर लेते हैं हम आपके लिए, 10 मिनट्स, ओके। 10 मिनट आप देखोगे तो इज इट फॉलिंग, येस 10 मिनट इज ऑल्सो फॉलिंग, सो 2 इज फॉलिंग, 10 इज ऑल्सो फॉलिंग। 75 मिनट देख लेते हैं एक बार, 75 मिनट इज ऑल्सो फॉलिंग। सो बेसिकली योर ऑल 3 टाइम फ्रेम्स आर इन सिंक, तीनों टाइम फ्रेम जब सिंक में होते हैं तब ट्रेड करना प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ नॉट फॉर एंट्री एग्जिट, दिस इज़ फॉर कन्फर्मेशन, दिस इज़ फॉर कन्विक्शन, दिस इज़ फॉर कॉन्फिडेंस। क्या ट्रेड करने में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, बहुत लोग बोलते हैं। सो ये एक ऐसा सल्यूशन है जहाँ पे आपको ट्रेड करने में कॉन्फिडेंस आएगा, जब आपको मल्टी टाइम फ्रेम सपोर्ट कर रहे होंगे तब। अब इसे अलग अलग वे में यूज़ करा जा सकता है, मूविंग एवरेज यूज़ कर लो, RSI यूज़ कर लो, प्राइस एक्शन यूज़ कर लो, जो यूज़ करना है कर लो, या तो इस तरीके से आप मल्टी टाइम फ्रेम के लिए देख सकते हो। एंड जब भी ट्रेड करो एक एक्स्ट्रा एडिशनल कन्फर्मेशन कि तीनों में ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट मतलब कन्फर्मेशन है, देन इट वुड बी अ ग्रेट वे टू बाय। अगर ब्रेक, सर ये तो ब्रेकआउट थोड़ी हुआ, आपने तो ब्रेकआउट बोला था, चलो मैं आपको और एक एग्जांपल दे देता हूँ ब्रेकआउट का। सो यहाँ पे मूविंग एवरेज ब्रेकआउट हो चुका है, इज इट ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड, और थोड़ा सा सर्कल छोटा बनाते हैं, एरो बनाते हैं ताकि ब्रेकआउट पे क्लैरिटी रहे। हाँ यहाँ पे मूविंग एवरेज ब्रेकआउट हुआ डेली टाइम फ्रेम में, येस और नो, ऑब्वियसली हुआ। क्या वीकली में वो अपसाइड ब्रेकआउट है? येस है। क्या मंथली में वो अपसाइड ब्रेकआउट है? येस है, ऑलरेडी मंथली में ऊपर है, वीकली में भी ऊपर आया एंड डेली में भी वहाँ पे वो कन्फर्मेशन से ऊपर आया। सो दिस इज अ गुड साइन, दीज आर द गुड ट्रेड्स, दीज आर द गुड ब्रेकआउट्स। इस तरीके से मल्टी टाइम फ्रेम पे कन्फर्मेशन करके ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करोगे, दैट विल बेनिफिट यू, वो आपको फायदा देगा। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट पर जाए फिर। ऑसम, सो नेक्स्ट इज इंडिकेटर ब्रेकआउट। व्हाट इज इंडिकेटर ब्रेकआउट, हम वो समझते हैं। लेट्स से इंडिकेटर ब्रेकआउट, सो ये इंडिकेटर ब्रेकआउट होता क्या है? सो लेट्स से मूविंग एवरेज, सबसे पहले हम लेते हैं इसको मूविंग एवरेज। सो मूविंग एवरेज इज गोइंग अप एंड डाउन, एंड लेट्स से प्राइस यहाँ पे पहले नीचे था, फिर ऊपर आया, फिर कुछ टाइम ऊपर रहा, फिर नीचे गया। सो यहाँ पे आप बेसिकली जो जो जहाँ जहाँ पे प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे हो गया, यहाँ पे डाउन साइड हो गया, यहाँ पे अपसाइड हो गया, ये 3 पॉइंट जो बने ये आपके मूविंग एवरेज ब्रेकआउट पॉइंट बने, विच इज़ बेसिकली अ इंडिकेटर ब्रेकआउट पॉइंट बने। ये आप हर ब्रेकआउट पे क्या बाय करा जा सकता है? आंसर इज नो। एक प्रस्पेक्टिव बनाया जा सकता है या एक स्ट्रैटेजी के लिए, अगेन जैसे हमने ट्रेंड लाइन में देखा था कि पहले हमने कॉन्सेप्ट समझा एंड फिर हमने स्ट्रैटेजी बनाई जा करके, तो यहाँ भी कुछ इसी तरीके का अप्रोच हम यूज़ करेंगे। सो ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट है इंडिकेटर ब्रेकआउट। अगेन इंडिकेटर ब्रेकआउट में आप कोई भी मूविंग एवरेज ले सकते हो, नहीं 44 विल बी वेरी स्मॉल मूविंग एवरेज, तो लेट्स टेक अ बिगर मूविंग एवरेज जिसको मैं कहता हूँ मूविंग एवरेज का बाप। एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप ज़रूर देख सकते हो समय निकाल करके, ऑन अ 200 मूविंग एवरेज। सो आप अगर ये 200 मूविंग एवरेज लेते हो एंड एक इससे एक बहुत बड़ा प्रस्पेक्टिव बनाया जा सकता है कि जब जब मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहता है प्राइजेस, वो टाइम पे एक प्रस्पेक्टिव है दैट मार्केट कुड बी इन अ लोअर साइड, एंड अगर मूविंग एवरेज ऊपर है, मूविंग एवरेज ऊपर नहीं, प्राइस अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है, द
तो एक पर्सपेक्टिव बनाया जा सकता है, इट्स ऑन अ बुलिश साइड। और मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, लेट्स टेक दिस अडानी एंटरप्राइज एग्जांपल। सो आप अगर देखोगे यहाँ पे, लेट मी टेक आउट टेक यू टू द बैक, ओके। सो इफ यू सी दिस, यहाँ पे जब मार्केट नीचे गया 178 पे फ्रॉम मार्च टू अगस्त, करीब करीब 5 महीनों तक मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे रहा, इट वाज लाइक टिपिकल साइडवेज मार्केट। जब उसके अपसाइड ब्रेकआउट होता है फ्रॉम 185 रुपीस टू मल्टी मेगा बुल रन टिल 4000 रुपीस, क्या हर बार ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद में 4000 से मार्केट नीचे आता है, 2700 पे क्लियर इंडिकेशंस मिलते हैं दैट इट्स बिलो 200, एंड फ्रॉम दैट 2700 मार्केट गॉन टू 1100, एंड उसके बाद में इस तरीके से साइडवेज होकर के अभी करंट मार्केट खड़ा है। सो एक प्रस्पेक्टिव बहुत इजीली मिल जाता है कि आपको बाय करना चाहिए या सेल करना। सो अभी यहाँ पे और भी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं फोटो में। सो इफ यू सी दिस, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे मूविंग एवरेज डाउन साइड क्रॉस करता है, यू विल सी बिग टाइम यू हैव डाउन ट्रेंड, एन एक मेगा डाउन ट्रेंड में मार्केट रहा। उसके बाद में फिर एक बार उसी स्टॉक में जब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस जाता है, अगेन यू सी प्रॉपर अप ट्रेंड। कैन यू जस्ट क्लोज योर, क्या आप सिर्फ अपनी आंखें बंद करके यहाँ पे बाय एंड सेल कर सकते हो? द आंसर इज नो। आपको इट्स अ कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से लेट्स से दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ, लोअर टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी ही देख लो, जब 200 के नीचे होता है तो किस तरीके से एक डाउन ट्रेंड में होता है, एंड वही अगर ऊपर ब्रेकआउट होता है तो किस तरीके से अप ट्रेंड में होता है। तो इस तरीके से एक मूविंग एवरेज ब्रेकआउट से एक प्रोस्पेक्टिव मिलता है। अब आप पूछोगे ट्रेड कैसे करना है, तो चलो चार्ट पे आओ, एग्जांपल दिखाता हूँ ट्रेड कैसे करना है इस पे। सो इफ यू कम हियर, यू नीड टू डिफाइन अप ट्रेंड। आप अलग अलग वे में अप ट्रेंड डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे वीकली पे विजुअल कॉन्सेप्ट पे अप ट्रेंड डिफाइन करता हूँ, ठीक है, या तो कोई मूविंग एवरेज लगा के अप ट्रेंड डिफाइन करता हूँ। लेट्स से 44 मूविंग एवरेज राइजिंग है, सो दैट इज माय अप ट्रेंड। कहाँ से राइजिंग हुआ? लेट्स से 44 मूविंग एवरेज यहाँ से राइजिंग हुआ एंड यहाँ तक एक प्रॉपर राइजिंग मोड में था, तो मैं वहीं तक का अप ट्रेंड गिनूंगा। तो पहले मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड को डिफाइन कर दिया, 44 मूविंग एवरेज राइजिंग। अब मैं इंडिकेटर ब्रेकआउट या मूविंग एवरेज ब्रेकआउट को कैसे यूज करूंगा? जब जब मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे आया और ऊपर गया, दैट्स माय बाय। नीचे जाके ऊपर आया, दैट्स माय बाय। यहाँ पे फिर से नीचे जाके ऊपर आया, दैट्स माय बाय। यहाँ पे फिर से नीचे जाके ऊपर आया, दैट्स माय बाय। यहाँ पे फिर से नीचे जाके ऊपर आया, दैट्स माय बाय। यहाँ पे जाके फिर से नीचे जाके ऊपर आया, दैट्स माय बाय। यहाँ पे ऊपर जाके नीचे आया, दैट्स माय बाय, बट स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे फिर से नीचे जाके ऊपर मार्केट आया, दैट्स माय बाय अगेन, ये मेरा ट्रेड चला। सो बेसिकली ये जोन में जितनी भी बार मार्केट नीचे गया एंड फिर ऊपर आया रिवर्स, दोज आर माय बाय इंडिकेटर्स और बाय इंडिकेशंस, दोज आर माय बाय ट्रिगर पॉइंट्स। ये मैंने मल्टी टाइम फ्रेम कॉन्सेप्ट भी यूज़ किया जो मैंने आपको पहले सिखाया, एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने यहाँ पे इंडिकेटर ब्रेकआउट भी यूज़ करा जो मैंने आपको अभी सिखाया। ये था पहला इंडिकेटर। दूसरा इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हो, लेट्स से ATR। हम ATR को यूज़ करते हैं मूविंग एवरेज के साथ में, थोड़ा सा डीप जाते हैं आज टेक्निकल एनालिसिस में। आई कैन से वी हैव वन ऑफ द मोस्ट डीपेस्ट चैनल ऑन टेक्निकल एनालिसिस। जितना डीप में हम टेक्निकल में गए हैं, शायद ही कोई पूरे के पूरे YouTube पर टेक्निकल एनालिसिस की डेप्थ को टच करा होगा इतना, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज ATR ब्रेकआउट? ATR ब्रेकआउट क्या होता है? सबसे पहले ATR क्या होता है उसे हम ब्लैंक स्लाइड पे समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ये पिछले 14 दिन है और इन 14 दिन में आपको अलग अलग साइजेस की कैंडल दिखती है। कोई कैंडल छोटी है, कोई कैंडल बड़ी है, किसी के शेडोज ज़्यादा है, किसी के शेडोज कम है, किसी की बॉडी ज़्यादा है, कोई ग्रीन ज़्यादा है, कोई रेड ज़्यादा है। अब इन सारी कैंडल्स का हाई एंड लो को अगर आप कैलकुलेट करके निकालोगे तो एक नंबर निकलेगा इंडिविजुअल कैंडल पे। लेट्स से एक कैंडल 150 पॉइंट की है, दूसरी कैंडल 100 पॉइंट की है, तीसरी कैंडल 90 पॉइंट की है। इस तरीके से हर कैंडल की हाइट है,
ठीक है, जिस तरीके से इंसान ह्यूमन बींग की हाइट होती है उसी तरीके से कैंडल की हाइट है, कैसे निकालते हैं सिंपल, ऊपर से नीचे का वैल्यू माइनस कर दो तो आपको हाइट मिल जाएगी कि कितना हाइट है, दोनों में जो डिफरेंस होगा वो बेसिकली आपको हाइट मिल जाएगी, उसको कहते हैं ट्रू रेंज। अब एवरेज ट्रू रेंज मतलब पिछले 14 दिन की जो हाइट है उसकी एवरेज निकाल लूंगा मैं, तो उसे कहते हैं ATR, एवरेज ट्रू रेंज। अब मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, ये निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट है, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक पर्टिकुलर हाइट पे निफ्टी की कैंडल्स परफॉर्म कर रही है यहाँ पे, विच इज़ बेसिकली मोटा मोटी 180 पॉइंट के आसपास। मैं डिलीट करता हूँ एंड टीम को कहता हूँ कि यहाँ पे हमें एक जोन बना के दे दे। ये देखो एक पर्टिकुलर हाइट है, बट यहाँ पे जा करके देखोगे वो ब्रेकआउट हुआ, जो निफ्टी की हाइट थी वो एवरेज ही बढ़ गई। एंड आप देखोगे फ्रॉम दिस फर्स्ट पैच टू सेकेंड पैच एवरेज निफ्टी की हाइट ही ज़्यादा हो गई। यही मैं अगर पीछे करके आपको बताऊँ फिर एग्जाम्पल और थोड़ा बेटर तरीके से बताना चाहूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक निफ्टी का 120 पॉइंट का रेंज चल रहा था, फ्रॉम 95 टू 120 के बीच में निफ्टी की रोज की मूवमेंट हो रही थी, हाइट हो रही थी एक कैंडल की। फिर यहाँ पे आप देखोगे यू गॉट अ ब्रेकआउट, वहाँ पे 140 पॉइंट की एवरेज हो गई और एवरेज बढ़ गई, 160 पॉइंट की एवरेज हो गई। सो इट्स अ ATR ब्रेकआउट, यहाँ पे ATR ब्रेकआउट हो गया, आपका ट्रू रेंज ही ब्रेकआउट हो गया, मार्केट अचानक मोमेंटम में आ गया। सो नाउ यहाँ पे आप कोई एक्शन ले सकते हो, आप कोई ट्रेड बना सकते हो। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि यार यहाँ पे एंट्री करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है, अगेन इट्स अ कॉन्सेप्ट टू हेल्प। जब आप देखते हो मार्केट में ATR ब्रेक हुआ है, कुछ मोमेंटम आया है, कुछ स्पीड आया है, वहाँ पे आपको कैसे ट्रेड करना है वो आप पे डिपेंड करता है। इतनी सारी स्ट्रैटेजीज हमने हमारे चैनल पे सिखाई हुई है, आप देख सकते हो। सो इन सारी स्ट्रैटेजीज पे आप जा करके ट्रेड कर सकते हो एंड आपका ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब द पॉइंट इज कि जब ये होता है, सी दिस फेनोमिनल एवरेज ही पूरा चेंज हो गया निफ्टी का, एंड फिर से यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी का एवरेज जो है वो नीचे साइड आ गया। सो जब जब आपको ऊपर की साइड ब्रेकआउट मिलता है एवरेज में, जैसा ये एक साइडवेज अच्छा सा हो गया है, सो अब अगर ब्रेकआउट आता है, सो नाउ यू कैन मेक अ पोजीशन, यू कैन थिंक टू मेक अ पोजीशन कि यार यहाँ पे कुछ पोजीशन बनाते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, मोमेंटम आ गया है, सो देयर इज सम पॉसिबिलिटी कि कुछ हमारा ट्रेड बन सके, पैसा बन सके। फिर से आप यहाँ पे देखोगे ये एक पैच बन गया था अच्छा खासा साइडवेज का, 150 पॉइंट के आसपास का, एंड वो जब ब्रेकआउट होता है सो यू हैड अ अपसाइड, गुड मोमेंटम, एवरेज भी बढ़ गया, वॉलेटिलिटी भी बढ़ गया, एंड मार्केट भी आप देखोगे कि अच्छे से ऊपर गया है वो टाइम पे। दिस कैन बी डन एंड दिस इज क्रेजी, इट्स वेरी सिंपल, एक नज़र मारनी है ATR पे, आपको दिख रहा है कुछ फट रहा है ऊपर जा रहा है, इट्स कैन बी अ गुड बाय फॉर यू। ये हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट आप और एक टूल यूज कर सकते हो इंडिकेटर ब्रेकआउट में, मैं आपको सारे टूल्स पे इंडिकेटर ब्रेकआउट बता सकता हूँ। यहाँ पे टेक्निकल में ये जितने भी आपको टूल दिख रहे होंगे हर टूल पे आई कैन एक्सप्लेन यू कि किस तरीके से आप इंडिकेटर ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हो, पैसे बना सकते हो। ADX लेते हैं अभी, ADX यहाँ पे, ADX में सेटिंग्स जो है वो यहाँ पे 1414 कर लेते हैं, 1414 एंड यहाँ पे इसको थोड़ा सा माइल्ड कर देता हूँ, यहाँ पे 1414 चेक कर लेना एंड लेट्स गो टू द लोअर टाइम फ्रेम्स, लेट्स से 5 मिनट्स, एंड यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं रेड कलर का 25 पे, सो 25 पे लगा दिया हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको कर देते हैं रेड, कर देते हैं ओके, चलो ग्रेट। सो नाउ अगर आपको नहीं पता है ADX क्या होता है तो सबसे पहले तो वो बता देता हूँ, ADX इज बेसिकली एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। ADX बेसिकली आपको ट्रेंड नहीं बताता है, स्ट्रेंथ बताता है, इट्स अ स्ट्रेंथ ब्रेकआउट और अ स्ट्रेंथ शोकेसिंग इंडिकेटर। मूविंग एवरेज जब राइजिंग होता है देन वी अज्यूम कि अप ट्रेंड है, लेकिन ADX राइजिंग का मतलब ज़रूरी नहीं है कि अप ट्रेंड है, आपको प्राइस से कन्फर्म करना पड़ता है कि ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। सो लेट्स से मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड, ADX अप, देन इट्स अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, मूविंग एवरेज अप, ADX अप, इट्स अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। सो ऊपर में आपको एक एवरेज लगा करके रखना पड़ेगा कन्फर्मेशन के लिए कि आप कौन से डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि ADX आपको सिर्फ स्ट्रेंथ बताता है, ताकत बताता है एग्जिस्टिंग ट्रेंड का। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे
ADX अगेन यहाँ पे बॉटम में 25 के नीचे आप देख पाओगे किस तरीके से साइडवेज हो चुका है बिल्कुल ही. सो अ वेरी मच अ गुड साइडवेज इन द ADX एंड देन यू गॉट द ब्रेकआउट ऑन द ADX. सो यहाँ पर ये लेवल्स पर आप देखोगे मूविंग एवरेज थोड़ा सा डाउनवर्ड टिल्ट होना शुरू हो चुका है. सो वो टाइम पे यू कैन गो फॉर द शॉर्ट ट्रेड एंड यू कैन सी अ गुड गैप डाउन नेक्स्ट डे, वेरी मच नेक्स्ट डे मॉर्निंग. तो इस तरीके से ADX ब्रेकआउट में भी आप ट्रेड बना सकते हो ट्रेड करने के लिए. और कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, और एक यहाँ पे शॉर्ट का ही ब्यूटीफुल एग्जांपल मिला. सी दिस, यहाँ पे काफ़ी साइडवेज मार्केट रहा, अपवर्ड्स ब्रेकआउट हुआ ADX, एंड जहाँ पे ADX अपवर्ड ब्रेकआउट हुआ आपको करंट ट्रेंड भी ऑन अ मूविंग एवरेज लोअर साइड मिला. जब मूविंग एवरेज आपको लोअर साइड मिलता है बो यू गॉट अ गुड डाउन वर्ड्स ट्रेंड एंड यू कैन डू दिस वेरी इजीली. आप ये बहुत ही आसानी के साथ में कर सकते हो. तो ये बात हो गई ADX ब्रेकआउट की. उसके अलावा बहुत सारे इंडिकेटर्स है, आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन दिस. आपको अगर और किसी इंडिकेटर पे ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी सीखना है तो कमेंट में आप बताना कि यार सिद्धार्थ ये वीडियो पे इंडिकेटर ब्रेकआउट बनाओ, अभी के लिए आगे चलते हैं, नहीं तो फिर मालूम पड़ा यही वीडियो खत्म नहीं हो रहा है. चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस इंडिकेटर ब्रेकआउट थिंग. चलो सो बेसिकली नेक्स्ट इज प्राइस एक्शन ब्रेकआउट. नाउ दिस प्राइस एक्शन ब्रेकआउट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज प्राइस ब्रेकआउट विच इज बेसिकली हायर हाईज एंड हायर लोज एंड लोअर लोज एंड लोअर हाईज, एंड अनदर इज पैटर्न ब्रेकआउट. अनदर इज पैटर्न ब्रेकआउट विच इज बेसिकली अ डब्ल्यू, अ फ्लैग पैटर्न और ट्राइंगल और लेट्स से हेड एंड शोल्डर. ठीक है, सो ये हम इन्हें समझते हैं एक एक करके कि क्या है. सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट इज हायर हाई एंड हायर लोस. सो बेसिकली हायर हाई एंड हायर लोस एंड लोअर लो एंड लोअर हाई इज अ वेरी बेसिक टेक्निकल एनालिसिस, ऑथेंटिक ऑथेंटिक ऑर्थोडॉक्स वे टू ट्रेड. आज के टाइम पे बिकॉज ऑफ हजारों वीडियोस ऑन यूट्यूब दिस इज समथिंग विच इज मिसिंग बिग टाइम इन टूडेज यूट्यूब टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड. के कुछ नहीं है यार, आपको सिर्फ हायर हाई चाहिए एंड हायर लोस चाहिए. सो बेसिकली दिस इज स्विंग 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 स्विंग. सो इस तरीके से अगर है मार्केट तो ये यहाँ पे आपका ये हाई बना, ये हायर लो बना, एंड देन ये आपका हायर हाई बना, ये आपका हायर लो बना. सो एट दिस ब्रेकआउट पॉइंट योर अप ट्रेंड इज कन्फर्म्ड. आपका अप ट्रेंड कन्फर्म हो गया है एंड दैट्स इट. दिस इज हायर है हायर लो कॉन्सेप्ट. एंड ये जितना बेसिक है उतना ही पावरफुल है. दिस वर्क्स अक्रॉस द टाइम फ्रेम्स. ऑप्शंस कर रहे हो, इक्विटी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है 2 मिनट में है या फिर 20 मिनट में है या 2 घंटे में कर रहे हो या मंथली चार्ट पे कर रहे हो, यही कॉन्सेप्ट यूज होता है. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रॉएस्ट फॉर्म ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. यहाँ पे डाउन ट्रेंड के केस में लेट्स से ये अप ट्रेंड है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हुआ इस तरीके से, ये आपका हाई था, ये आपका लो बना, यहाँ पे आपका लोअर हाई बना, एंड देन ये जब बना तो आपका लोअर लो बन के ये कन्फर्म हो गया कि नाउ दिस डाउन ट्रेंड इज कन्फर्म्ड. इस तरीके से हायर हाई एंड हायर लोस परफॉर्म करते हैं. फिर से मैं अगर यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड पे आपको दिखाना चाहूँ तो जब आपका हायर हाई हायर लो दोनों कन्फर्म होते हैं तब जा करके आपका एक ट्रेंड डिफाइंड एंड कंफर्म हो जाता है. एंड उसी के जगह पे ऑपोजिट साइड पे जब आप डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड कंफर्म करना है तो आपको लोअर लो लोअर हाई चाहिए. इस तरीके से इट्स बेसिक रॉ प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी विच कैन बी ट्रेडेड बट ऑल्सो इट्स ट्रिकी, इट विल नीड योर एक्सपीरियंस. अब बात आती है चार्ट पैटर्न्स. चार्ट
चार्ट पैटर्न्स को लाइक इंडिविजुअल एक एक चार्ट पैटर्न्स करके हम आप कहोगे तो वीडियो बनाएंगे, बट अभी के लिए हम चार्ट पे जा करके मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं। चलो सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, जो मुझे सबसे पहला दिखा निफ्टी में, विच इज़ बेसिकली योर हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सो यहाँ से मैं अगर शुरू करूँ तो ये स्विंग हाई बना, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया एंड यहाँ पे इस तरीके से नीचे आया। एंड इसको मैं अगर कनेक्ट कर दूँ फ्रॉम दिस ए पॉइंट टू बी पॉइंट एंड क्रॉस यहाँ पे, तो एक नेक लाइन बन गया, ये यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन गया। एंट्री एग्जिट कैन बी डिफाइंड बट इट्स वेरी रेयर पीपल ट्रेड दिस, बहुत ही कम लोग होते हैं जो चार्ट पैटर्न्स को एज इट इज एग्जीक्यूट कर पाते हैं, क्योंकि ये टफ है ट्रेड करना। आप उसको कॉन्सेप्ट को समझो, ये डिफाइन कर लो कि हाँ यार ये ब्रेकआउट हो गया डाउन साइड पे, अप ट्रेंड खत्म हो गया। सो नाउ बिकॉज अप ट्रेंड खत्म हो गया एंड मार्केट नीचे ही जाने वाला है, एंड यहाँ पे आप देखोगे फ्रॉम दोज पॉइंट विच इज 18,300 टू 17,800। सो मोटा मोटी अगर आपको 1,500 पॉइंट का मूव मिलता है तो 1,500 पॉइंट में क्या ट्रेड करना है वो आप जानते हो, इतना सीखा है, मुझसे सीखा है, शायद आपने और लोगों से सीखा होगा, देन एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड कि यार हाँ यार आई कैन ट्रेड दिस। सो बट वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है एट द टॉप। यही अगर बॉटम में आ जाओगे फिर से यहाँ पे, तो यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा एक लाइन, फिर आप ये देखोगे ये एक डबल बॉटम पैटर्न बना, पिक्चर परफेक्ट। सो यू बाय एट द ब्रेकआउट, स्टॉप लॉस बिलो द लो एंड जस्ट सी अ गुड मूव। ठीक है, अगेन आपको एक्यूरेटली वही प्राइस पॉइंट पे बाय करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ बाय करो या यहाँ बाय करो, बट मोटा मोटी अगर 17,300 से 19,300 2,000 पॉइंट का मूवमेंट आता है ना, आपको पता है कि बॉटम में डबल बॉटम बना है, यू कैन ट्रेड दिस। आप कभी मूविंग एवरेज लगा के ट्रेड करो, आप और कोई चीज़ आपको जो ट्रेड करना है करो, लेकिन आप ये कर सकते, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज सी मैंने जब अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करी थी इसी तरीके से ट्रेड कर करके कर करके कर करके सीखा था। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप डायरेक्टली पैसा बनना शुरू नहीं हो जाएगा, आपको यू हैव टू डू लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर्स, तब जा करके कुछ पैसे बन सकते हैं। और हम बनाते हैं लेट्स से यहाँ पे, सो और एक चार्ट पैटर्न है विच इज़ बेसिकली ए साइडवेज ब्रेकआउट। सो यहाँ पे आप साइडवेज पैच देखोगे, साइडवेज ब्रेकआउट हुआ फ्रॉम 11,000 टू 12,400 टाइप्स, 1,500 पॉइंट का मूवमेंट आया, कुड बी इजिली कैप्चर्ड, यू कैन बाय एट दिस पॉइंट, यू कैन बाय एट दिस पॉइंट, यू कैन बाय एट दिस ब्रेकआउट, यू कैन बाय एट दिस बॉटम एंड अलग अलग जगह पे बहुत ही आसानी के साथ में इजिली ट्रेडेबल है ये इस तरीके की चीज़ें। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा आई कैन से डबल बॉटम है बट कैन बी लाइक नो नो ऐसा थोड़ी होता है। सो यहाँ पे डबल बॉटम मार्क करा एट दिस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, कैन बी द ब्रेकआउट। सो मैंने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया प्लस मैंने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट बनाया, एंड देन कुड बी अ लॉट ऑफ साइडवेज, सो पेनफुल ट्रेड, मे बी स्टॉप लॉस, मे बी नो ट्रेड, मे बी एग्जिट, एंड देन इट वर्क्ड, सो डिफिकल्ट वन टू ट्रेड। यहाँ पे और एक यहाँ पे साइडवेज मार्क करोगे, साइडवेज था यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ फ्रॉम 10,000, क्या है 10,900 वाला 11,700, ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट, कुड बी कैप्चर्ड। अगेन 1,000 पूरा नहीं मिलेगा, उसमें से आप कुछ कैप्चर कर पाओगे जो भी कर पाए वो इंट्राडे में। टिपिकल डबल बॉटम, ये सी दिस, मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर नीचे आया एंड इट वेंट अप। सो डबल बॉटम ब्रेकआउट, अ बिग मूव, यू कैन कैप्चर इन मल्टीपल वेज। सो इस तरीके से ये बेसिकली आपका हो गया चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फ्लैग, 1 2 3 बूम पोल फ्लैग नीचे, एंड आपको इस तरीके की पैटर्न्स मिल जाएंगी। ट्रेड कहाँ पे करना है एक्यूरेटली वो भी मैं आपको नेक्स्ट ट्रेड में दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे डबल बॉटम बूम ऊपर एंड कुड बी ट्रेडेड, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से मार्क करना शुरू करते हैं, इस तरीके से मार्क करोगे, यू हैव योर गुड हेड एंड शोल्डर, स्लो सेकेंड बॉटम,
बट प्रॉपर नेकलाइन ब्रेकआउट बाय बो। उसके बाद में ये यहाँ पे वन पोल टू पोल फ्लैग बना, ब्रेक डाउन हुआ नीचे के साइड पे, कुड बी अ गुड ट्रेड। एंड इस तरीके से मार्केट नीचे आया, यू कैन मेक मनी। सो इस तरीके से जब चार्ट्स पे पैटर्न बनती है तो वो पैटर्न ब्रेकआउट भी ट्रेड हो सकता है। देन कम्स अ बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। सो ये आपने कभी ना कभी सुना होगा या ट्रेड करा होगा या आपको पता होगा। लेट्स से दिस इज द रेजिस्टेंस एंड मार्केट इसके ऊपर जाता है, दैट्स योर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। एंड यहाँ पे हम सपोर्ट बनाते हैं, लेट्स से उसी के जगह पे ये वाला यहाँ पे सपोर्ट है, तो मार्केट इसके नीचे आता है, देन दैट्स योर डाउन साइड सपोर्ट ब्रेकआउट विच इज बेसिकली अ बेरिश साइन और अ बेरिश सिग्नल। सेम वे को और एक एग्जाम्पल देखे समझे। सो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं, लेट्स टेक दिस। ओके, सो इफ यू टेक दिस बॉटम एज अ सपोर्ट, इसके नीचे मार्केट जाएगा तो दैट्स अ बेरिश ब्रेकआउट। एंड लेट्स टेक दिस एज अ रेजिस्टेंस, एंड इसके ऊपर जब मार्केट जाएगा इट विल बी द नाइस बुलिश ब्रेकआउट। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया एंड दैट वॉज अ ग्रेट बुलिश ब्रेकआउट, यू कैन से दैट्स बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, नो कॉम्प्लिकेशंस इन दैट। तो ये भी आप कर सकते हो। एंड अगेन इट्स अ कॉन्सेप्ट, ओ ब्रेकआउट हो गया, लेट्स डू समथिंग, लेट्स डू बाय, लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग साइड। अच्छा कैसे ट्रेड करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी से ट्रेड करना है, वो सब दिमाग चलना वहां पे शुरू होना चाहिए। देन उसके बाद में कम्स अ फंडामेंटल ब्रेकआउट। व्हाट इज फंडामेंटल ब्रेकआउट? बेसिकली सबसे पहले एक फंडामेंटल ब्रेकआउट आ जाता है, मैक्रो लेवल पे कुछ चेंजेस होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो दिस वॉज लाइक फंडामेंटल ब्रेक डाउन ऑन अ लोअर साइड। यहाँ पे जब कोविड का न्यूज आया, सो दैट वॉज लाइक फंडामेंटली समथिंग चेंज्ड इन द ग्लोब, इन द दुनिया। तो वहाँ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आया। उसके पहले मुझे और एक जो बहुत आई कैन से करीब है हमारे लाइफ में ट्रेडिंग के हिसाब से, दैट इज दिस डे विच इज़ अ बिग फंडामेंटल ब्रेकआउट, दिस पर्टिकुलर डे जहाँ पे ये शूटिंग स्टार है। इन केस यू डोंट नो व्हाट इज दैट, तो वहाँ पे 16th of May 2014 मोदी जी इलेक्ट होके आए थे, न्यूज़ आया था, रिजल्ट आया था। सो दैट वॉज अ फंडामेंटल ब्रेकआउट ऑन अ मैक्रो कंट्री लेवल, एंड वी हैड दैट मोदी रैली जिसको हम कहते हैं, द फर्स्ट मोदी रैली एट दैट टाइम विच वॉज लाइक ग्रेट। सो अगेन अ फंडामेंटल एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल ब्रेकआउट। अपार्ट फ्रॉम दैट और एक मैं आपको एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ओके, सो ये जो था ये इंडिया पाकिस्तान वॉर वाला दिन है, ठीक है। सो सिंस इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, मार्केट खींच दिया, बट इवेंचुअली अगेन इट केम डाउन। सो दिस डाउन स्विंग, ये जो डाउन स्विंग है यहाँ पे एरो आपको दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कैंडल्स, ये पूरा का पूरा डाउन स्विंग इज कॉज्ड बाय दैट इंडिया पाकिस्तान वॉर सिनारियो। उस तरीके से अलग अलग जब इवेंट्स होते हैं, अलग अलग इवेंट्स इज राइट वर्ड, फंडामेंटल चेंज होते हैं वो टाइम पे, जो मार्केट में चेंजेस आती है या चार्ट पे चेंजेस आती है, इट बेसिकली ए इवेंट ब्रेकआउट थिंग, जो आप अगेन कंसिडर कर करके अपना स्ट्रैटेजी बना करके ट्रेड कर सकते हो, प्लान कर सकते हो कि आपको कैसे ट्रेड करना है। उसके अलावा बहुत बार कंपनी के पर्टिकुलर रिजल्ट होते हैं, जैसे इन्फोसिस जो वगैरह में काफ़ी ज़्यादा वो उसका इम्पैक्ट जो है वो दिख जाता है। सो ये यहाँ पे आप देखोगे तो एक बड़ा सा गैप डाउन है, यहाँ पे आप देखोगे तो एक बड़ा सा गैप डाउन है, यहाँ पे आप देखोगे तो बड़ा सा गैप डाउन है। तो आईटी सेक्टर में ये बहुत ही एविडेंट है, विजिबल है कि कोई ना कोई बड़े न्यूज़ आ जाता है, कोई ना कोई चीज़ें हो जाती है जिसके वजह से फिर इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। यू कैन से रिजल्ट ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन हो जाते हैं, एंड इट गिव्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मूव
इन अ पर्टिकुलर स्टॉक और अ सेक्टर. सो अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ब्रेकआउट जो आसान है लाइक समझना, बट जब ट्रेड करोगे तो दिक्कतें आएंगी जो चार्ट के मदद से वो सॉल्व होंगी. सो सिंस यू हैव अ स्ट्रैटेजी कि यार न्यूज़ कुछ भी आया, फंडामेंटल कुछ भी आया, मैं तो यही स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करूंगा, तो न्यूज़ को लेके आओ, चार्ट पे डालो, अपनी स्ट्रैटेजी को डालो, एंड देन उसके ऊपर जब आती है बात तब जा करके आप ट्रेड करो. हाँ, फिर उसके बाद में आता है वोलेटिलिटी ब्रेकआउट. वोलेटिलिटी ब्रेकआउट एक तो आप बोलिंजर बैंड्स ऐड कर सकते हो ऑब्वियसली, प्लस यू कैन ऐड परसेंटेज बी ऑल्सो, यू कैन यूज बोलिंजर बैंड बैंडविड्थ ऑल्सो. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे अगेन ये जो पहले हमने ATR सीखा था उसके जैसा ही है. यहाँ पे आप देखोगे इट्स वेरी मच श्रिंक्ड. यहाँ पे ये जो वोलेटिलिटी है ये बहुत ही कम है, एंड जब ब्रेकआउट होता है प्लस यू कैन ऐड दिस बोलिंजर बैंड ऑल्सो, दोनों साइड पे जब साथ में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है बूम, दैट कुड बी योर गुड ट्रेड. इस तरीके से आप ये यूज कर सकते हो. और एक एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको इसका. लेट्स गो ऑन लोअर टाइम फ्रेम्स इन निफ्टी, निफ्टी लेट्स से 2 मिनट चार्ट. सो निफ्टी में जाते हैं, 2 मिनट चार्ट में जाते हैं. ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे यू हैव दिस लाइक नाइस साइडवेज मार्केट इन टर्म्स ऑफ वोलेटिलिटी. सो यहाँ पे अगर आप वोलेटिलिटी देखोगे नीचे में, सो ये इस तरीके से बहुत ही श्रिंक्ड है. तो जब ये इसके ऊपर जाता है वोलेटिलिटी ब्रेकआउट, आपको अपसाइड मिलता है बोलिंजर बैंड में, बैंडविड्थ में, वो टाइम पे आपको प्राइस देखना है कि कहाँ पे गया, ऊपर गया कि नीचे गया. एंड प्राइस अगर सपोर्टिव है यू कैन टेक द ट्रेड. अगेन दैट्स अ एग्जांपल ऑफ वोलेटिलिटी ब्रेकआउट. सो दैट्स अ वन एग्जांपल ऑफ वोलेटिलिटी ब्रेकआउट. एंड देन इसको हटा करके लेट्स यूज अ विक्स, इंडिया विक्स. इंडिया विक्स जो है और एक इंडिकेटर है वोलेटिलिटी ब्रेकआउट का. सो समथिंग सिमिलर यहाँ पे आप देखोगे कि ये बेसिकली वोलेटिलिटी दिखाता है कि मार्केट में कितना वोलेटिलिटी है. सो अगेन यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, जब जब इंडिया विक्स आपको 15 के ऊपर मिल जाता है इट्स अ वोलेटिलिटी ब्रेकआउट. यू कैन प्लान योर ट्रेड्स अकॉर्डिंगली. अभी भी देखोगे करंट मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ही कम है. सो ऑप्शन ट्रेडर जो लोग बाय करते हैं उन्हें ये दिक्कतें आ रही है अभी. राइट नाउ ऑप्शंस बायर्स आर फेसिंग अ बिट प्रॉब्लम बिकॉज वोलेटिलिटी इज लो, तो प्रीमियम्स जो है वो थोड़े से कम होते हैं, मूवमेंट वैसी नहीं आती जैसी ऑप्शन बायर को चाहिए होती है. सो इन दिस सिनारियो अगेन यू हैव अ वोलेटिलिटी ब्रेकआउट, ऊपर की साइड आता है बो, देयर इज सम ट्रेंड टू ट्रेड. या सो ऑप्शन बायर इन वोलेटिलिटी से याद आया, मेक श्योर दैट यू कम टू ऑप्शन ट्रेडिंग का महाकुंभ जो हमने इवेंट अरेंज किया है. पूरा देश आने वाला है ये अटेंड करने को. तो अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर राइट नाउ. वीडियो को पॉज करके 2 मिनट निकाल करके रजिस्टर कर लीजिए. एक लॉस के भाव में हम दे रहे हैं विच इज़ 1050 ओनली, 1000 रुपये में 100 से ज़्यादा वीडियो, 2 दिन का इवेंट विथ 100% मनी बैक गारंटी. ऑप्शन बेसिक भी कवर होगा, सब स्ट्रैटेजीज कवर होंगी. सो मेक श्योर यू अटेंड दिस इवेंट. एंड अगेन मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने बनाया है. सो हम जानते हैं कि हमने हम आपको क्या दे रहे हैं. सो मेक श्योर यू कम एंड रजिस्टर फॉर योर सेल्फ एंड डू इट राइट नाउ. या चलो आगे चलता हूँ मैं. एंड उसके बाद में आता है वॉल्यूम ब्रेकआउट. सो व्हाट इज वॉल्यूम ब्रेकआउट? वॉल्यूम ब्रेकआउट इज बेसिकली, चलो एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं एंड समझते हैं तो बेटर होगा. लेट मी टेक इन्फी, लेट मी एड वॉल्यूम. ओके, सो यहां पे मार्केट नीचे आने के बाद में वी हैव सम वॉल्यूम ब्रेकआउट. सो देयर इज अ हायर वॉल्यूम इन द बॉटम. यहां पे अगर आप देखोगे, मैं फिर से सब डिलीट करके नीचे कुछ ऐड करके वापस एक बार दिखाता हूं. सी दिस, दिस वुड बी बेटर एंगल टू सी. सो यहां पे अगर आप देखोगे मार्केट नीचे आया, यहाँ पे नीचे
नीचे, नाउ यू हैव अ गुड वॉल्यूम इन द बॉटम एंड ग्रीन्स पे अच्छा वॉल्यूम है, यू हैव वी हैव अ हायर वॉल्यूम्स ऑन ग्रीन, सो इट्स अ वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ, कुछ तो वॉल्यूम ज़्यादा आया एंड अगेन ट्रेंड साथ दिया, फिर से यहाँ पे यू गेट दैट वॉल्यूम, गुड वॉल्यूम ब्रेकआउट एंड यू हैव दैट गुड ट्रेंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ 560-600 रुपी टू मोटा मोटी 1200 रुपया, तो स्टॉक डबल हो गया एंड फर्स्ट इंडिकेशंस आपको वॉल्यूम से मिले हैं, सो दैट्स बेसिकली अ वॉल्यूम ब्रेकआउट। और एक अगर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊँ, लेट मी शो यू वन मोर एग्जाम्पल, सी दिस सेम सिमिलर पैटर्न, आई कैन से गुड लॉन्ग साइडवेज मार्केट बिफोर दिस, मोटा मोटी एक आध साल का साइडवेज मार्केट रहा यहाँ पे, लाइक टिपिकल जून जून टू जून, जुलाई टू जुलाई, वन ईयर मार्केट, देन गो यू हैव दिस वॉल्यूम ब्रेकआउट, बूम, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है जहाँ पे मैंने ब्लैक मार्क करा है ये फेज में, एंड देन ऑन अ रेगुलर बेसिस यू हैव हायर वॉल्यूम्स ऑन ग्रीन कैंडल, सी दिस सी दिस सी दिस सी दिस सी दिस, सो दैट्स अ वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर जाना शुरू किया एंड कंसिस्टेंट बेसिस पे ग्रीन कैंडल्स पे वॉल्यूम ज़्यादा आना शुरू हो गया, सो गुड आई कैन से वॉल्यूम स्ट्रैटेजी जो आप यूज़ कर सकते हो अपने ट्रेडिंग के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे तीन रास्ते हैं जिनसे आप जो आपका ऑथेंटिक ब्रेकआउट है या फॉल्स ब्रेकआउट है प्रेडिक्ट कर सकते हो। सो बेसिकली मेरे हिसाब से तो फॉल्स ब्रेकआउट होता नहीं, बट हाँ यू कैन से कि बेटर ब्रेकआउट कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो। सबसे पहला जो तरीका है वो है बिग ब्रेकआउट कैंडल, तो जो भी ब्रेकआउट है चाहे वो चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट है या मूविंग एवरेज ब्रेकआउट है या सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है, अगेन जब मैं ब्रेकआउट बोल रहा हूँ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों में ये अप्लाई होता है, कोई भी ब्रेकआउट है इफ़ यू गेट अ गुड बिग कैंडल, सो इन दैट सिनारियो वो ब्रेकआउट की वैलिडेशन या कॉन्फिडेंस वहां पे ज्यादा है, सो इट्स अ गुड टिक यू कैन से। दूसरा तरीका, वहां पे आपको हाई वॉल्यूम्स मिल गए, यू गेट अ हाई वॉल्यूम्स ऑन अ ब्रेकआउट, पर ब्रेकआउट लगा लो एंड वहां पे आपको हाई वॉल्यूम्स मिल जाते हैं, अगेन इट्स अ गुड इंडिकेशन, चाहे वो मूविंग एवरेज हो या फिर प्राइस ब्रेकआउट हो, दोनों में ये अप्लाई होता है। एंड तीसरा तरीका, देर शुड नॉट बी अ बिग शेडोज, यू कैन से तीसरा तरीका नहीं है, दो ही तरीके हैं, तीसरा नहीं होना चाहिए, तो वो ब्रेकआउट के टाइम पे वो बड़े शेडोज वगैरह नहीं होने चाहिए, चाहे ऊपर के हो या नीचे के हो, यू शुड अवॉइड बिग शेडोज। या सो दैट वॉज द बिग लॉन्ग वीडियो ऑन ब्रेकआउट ट्रेडिंग, मल्टीपल चीज़ें हमने आज टच करी है, आपको इनमें से क्या अच्छा लगा मुझे बताना, क्या वी शुड मेक दिस टाइप ऑफ मोर वीडियोज और नॉट वो बताना, क्या आप ब्रेकआउट में और कुछ सीखना चाहोगे, येस और नो, क्या सीखना चाहोगे, कौन से टॉपिक पे आज के वीडियो में से और डिटेल में हम वीडियो बनाए वो बताना, एंड क्या आप इंट्राडे स्कैल्पिंग इंट्राडे पे इस तरीके का महा वीडियो चाहते हो या नहीं बन चाहते हो वो बताना, अगर आप चाहते हो तो कमेंट में लिखना स्कैल्पिंग इंट्राडे लॉन्ग वीडियो, स्केल्पिंग इंट्राडे लॉन्ग वीडियो, स्केल्पिंग इंट्राडे लॉन्ग वीडियो, अगर 1000 से ज़्यादा लोगों का कमेंट होगा स्केल्पिंग इंट्राडे लॉन्ग वीडियो पे तो हम वीडियो बनाएंगे, सो आप कमेंट करके बता सकते हो स्केल्पिंग इंट्राडे लॉन्ग वीडियो इफ़ यू वॉन्ट, देन वी विल डेफिनेटली मेक इट। बाकी आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट फ्राइडे, टिल दैट टाइम बी डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट।